स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं मिरर फार्मूला। तो व्हाट डू यू मीन बाय मिरर फार्मूला? तो मिरर फार्मूला के लिए हमें एक इक्वेशन है, उसको स्टडी करना पड़ेगा, जो कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगी बिटवीन वेरियस पैरामीटर्स। तो यहाँ पे जो वी आपके पास है, दैट इज़ योर इमेज डिस्टेंस, और यू यहाँ पे क्या आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड एफ के आपके पास फोकल लेंथ। तो जो फार्मूला इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? मिरर फार्मूला। क्या बोल देते हैं बच्चों इसको? हम मिरर फार्मूला। ये जो फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फार्मूला डिसाइड करता है, यदि हमारे पास मान लो वी गिवन है और यू गिवन है, राइट? ये दोनों कैसे हैं बच्चों आपके पास? दोनों गिवन है, तो हम यहाँ से फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं। यदि U और F गिवन है तो हम V को निकाल सकते हैं, और यदि हमारे पास F और V गिवन है तो हम U को निकाल सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने में आपको ध्यान में रखना पड़ेगी कि ये जो U डिस्टेंस है और ये V डिस्टेंस और जो F डिस्टेंस है, ये हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बिना साइन कन्वेंशन के इसको ले लें हम। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है मिरर फार्मूला, और ये इक्वली एप्लीकेबल है आपका कनकेव मिरर के लिए, और आपका इक्वली एप्लीकेबल है आपका कन्वेक्स मिरर के लिए। तो जब भी हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, तो उसके साथ साथ हम एक और इम्पोर्टेंट जो है वो टर्म को यूज़ करेंगे, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन। तो बच्चों, यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, राइट? तो लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं, ठीक है? तो एम का मतलब है हाइट, ये रेशियो है बेटे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, एच वन बाय एच ओ। तो कनकेव मिरर के केस में, राइट, कनकेव मिरर के केस में बेटे ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी बाय यू। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और यहाँ से हम इसकी सिग्निफिकेंस को चेक करेंगे कि इस मैग्नीफिकेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, मैग्नीफिकेशन हमें बताती क्या है। तो बच्चों, मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो क्या होती है बेटे? पॉजिटिव होती है, और आपकी क्या होती है बेटे? नेगेटिव भी आपकी हो सकती है, ठीक है? तो अब हम आपको बताते हैं कि मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव होने का क्या मतलब है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब है बेटे, आपका जो एच वन और एच ओ है, ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब आएगा? जब आपकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, और आपका ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होगा। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आपके पास क्या आ गई? मैग्नीफिकेशन आपके पास आ गई पॉजिटिव, ठीक है? मैग्नीफिकेशन आपके पास नेगेटिव भी होती है बेटे, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है? नेगेटिव कब होगी? जब आपका एच वन तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, और एच ओ आपका ऊपर रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? मैग्नीफिकेशन आपकी नेगेटिव आएगी।